ये कहानी है 18 साल की एक लड़की हेलन की, जो फिलहाल स्केटिंग कर रही है और फिर उसके पिछवाड़े में होने लगती है खुजली और फिर वो अपने दादाजी के बावसीर की बीमारी के बारे में बताने लगती है। वो एक गंदे से शौचालय के अंदर जाती है और एक क्रीम निकाल कर अपने पिछवाड़े में लगाने लगती है। दरअसल हेलन को भी बावसीर की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसे होती है खुजली। उसके बाद वो उठती है और उसे टॉयलेट सीट पर दिखता है किसी आदमी का स्पर्म और फिर वो उस स्पम के ऊपर बैठकर सारी टॉयलेट सीट को अपने पिछवाड़े से गोल गोल घुमाकर साफ कर देती है और अपनी कहानी सुनाती है। जब वो 8 साल की थी, उसकी मॉम को साफ सफाई का कीड़ा है और हेलन उसी कीड़े को टॉयलेट धोकर साफ कर रही है। लेकिन दरअसल हेलन अपनी मॉम की बिल्कुल उल्टी है। उसे गंद में रहना और गंद खाना पसंद है। एक बार जब वो घर की बाउंड्री पर खड़ी थी, उसकी माँ कहती है, नीचे आओ मैं तुम्हें कैच कर लूंगी। लेकिन माँ उसे धोखा दे देती है और हेलन नीचे गिर जाती है। उसकी माँ कहती है, कभी किसी पर भरोसा मत करना, अपने माँ बाप पर भी नहीं। फिर वो एक लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देते हैं ओरल। लेकिन यहाँ भी हेलन गंद में हाथ मारती है और उस लड़के के स्पर्म को अपने हाथों में लपेट कर घर पहुँच जाती है। तब तक वो स्पर्म गया था सूख। हेलन उस स्पर्म की गोली बनाकर मुँह में डाल लेती है। फिर वो बाथटब में नहाने के लिए जाती है खूब सारी सब्जियाँ लेकर, काटने के लिए नहीं अंदर घुसाने के लिए, जिसमें गाजर, खीरा, अदरक ये सब शामिल है। फिर हम उसकी माँ को देखते हैं, जिनका बॉयफ्रेंड है और उसके अपने पति से तलाक हो चुका है। हेलन का एक छोटा भाई भी है। उसकी माँ डिप्रेशन का शिकार है और शांति पाने के लिए कई धर्मों को ट्राई कर चुकी है। तभी उसके पड़ोस में आती है एक लड़की जिसका नाम है कोरेना। लेकिन हेलन उससे बड़ी रूडली बात करती है और कहती है, फूट गई तुम्हारी किस्मत जो तुम्हें हम जैसे पड़ोसी मिले। उसके बाद कोरीना एक बॉयफ्रेंड पटाती है और उसके साथ घपाघप करने लगती है। उस लड़के ने कोरीना को अपने पेट में पॉटी करने के लिए कहा। कोरीना ने भी दम लगाया और अपने बॉयफ्रेंड को संतुष्ट किया। लेकिन अगले दिन ये पूरी बात कॉलेज में फैल गई और कोरीना का हो गया ब्रेकअप। हेलन अपने पापा के घर जाती है और देखती है कि अंडे जल गए हैं और पापा नई मम्मी के साथ लगे हैं। वो उस जले हुए अंडे को पैन के साथ सोफे पर रख देती है और कहती है, पापा जल गए अंडे। पापा कहते हैं, अंडे को छोड़, आने से पहले बजाया क्यों नहीं डोरबेल। हेलन कहती है, डोरबेल के चक्कर में घर में लग जाती आग। हेलन फ्लैशबैक में जाती है, जहां उसके पापा ने कार की डिक्की बंद करते वक्त उसके हाथों को दिया था कुचल, मतलब वो भी सनकी आदमी है उसकी माँ की तरह। लेकिन हेलन अपने पेरेंट्स से बहुत सारा प्यार करती है, लेकिन वो उन दो सनकियों को एक साथ मिलाना चाहती है। फिर वो हमें अपनी माँ के बारे में बताती है, जिनका मानना है कि लड़कियों को अपने प्राइवेट पार्ट हमेशा शेव करके रखने चाहिए। लेकिन हेलन को साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है और शेव करने के दौरान गलती से हेलन अपने पिछवाड़े के बावसीर को काट डालती है और दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन इस बारे में वो किसी को नहीं बताती और स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और डॉक्टर उसके पिछवाड़े की जाँच करते हैं। फिर वहाँ रॉबिन नाम का एक नर्स आता है और हेलन के कपड़े चेंज करता है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। फिर हेलन रॉबिन से उसके पेरेंट्स को कॉल करने को कहती है। ऑपरेशन होने के बाद हेलन रॉबिन से पूछती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं। रॉबिन उसे उसके कपड़े दिखाता है और हेलन की पैंटी में लगा होता है दाग। हेलन सोचने लगती है कि उसकी माँ को गंदी पैंटी से कितनी चिढ़ है कि अगर वो मर भी रही होगी तो यही सोच रही होगी कि उनकी पैंटी में कोई दाग ना हो। रॉबिन उस पैंटी को देखकर कहता है, क्या मैं ये धो डालूं। हेलन कहती है, नहीं दाग अच्छे हैं। फिर वो रॉबिन से उसके पिछवाड़े की फोटो क्लिक करने को कहती है। रॉबिन कहता है ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर वो उसके पिछवाड़े की फोटो क्लिक करके हेलन को दिखाता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और हेलन बता देती है कि उसने अपने पिछवाड़े का जायजा ले लिया है। ये सुनकर डॉक्टर रॉबिन की तरफ गुस्से से देखता है। तभी वहाँ हेलन की माँ भी आ जाती है और सारे स्टाफ को वहाँ से जाने को कहती है। उसकी माँ उसके लिए एक फ्रूट लाई होती है। माँ के जाने के बाद वो उस फ्रूट के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है और रॉबिन को अपने साथ इमेजिन करती है और इस फ्रूट को अपनी योनि में डाल देती है और देखती है कि उस फ्रूट का उसकी योनि के अंदर जाते ही एक पौधा निकल आया है। लेकिन ये बस उस पगली का भ्रम था। उसके बाद हेलन फ्लैशबैक में जाती है, जहां उसकी मॉम ने टर्की बनाया है। जब उसके पापा उस टर्की को चाकू से काट रहे होते हैं, वो कहते हैं,
जब मेरी बीवी के अंदर से बच्चा निकला होगा उसका पेट भी ऐसे ही काटा होगा और मुझे इस टर्की को काटने पर वैसा ही फील हो रहा है। ये सुनकर हेलन की माँ अपनी ड्रेस ऊपर करके ऑपरेशन का निशान वहाँ बैठे सारे लोगों को दिखाती है और अपने पति के फेस पर वाइन फेंक देती है। हेलन के डैड हेलन से मिलने आते हैं और हेलन बार बार घड़ी देख रही होती है। तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और उसके डैड जाने लगते हैं। हेलन देखती है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन ये भी उस पगली का भ्रम होता है। अगले सीन में हेलन रॉबिन को सिड्यूस कर रही होती है, तभी वहां आ जाती है उसकी गर्लफ्रेंड नर्स और रॉबिन वहां से चला जाता है। उसके बाद वो नर्स हेलन को कुछ खाने को देती है और कहती है तुम्हें नेचुरल तरीके से पॉटी आनी चाहिए। हेलन कहती है अभी नहीं आई। उसके बाद वहां डॉक्टर आता है और हेलन से कहता है कि अब वो ठीक है और घर जा सकती है, लेकिन हेलन का मन नहीं है वहां से जाने का। डॉक्टर कहता है हम तुम्हें यहां नहीं रख सकते, तुम घर के माहौल में हल्दी लगाकर जल्दी ठीक हो जाओगी। रात में हेलन एक चेयर के हुक को अपने पिछवाड़े में डालकर फिर से छलनी कर देती है अपना पिछवाड़ा ताकि वो हॉस्पिटल में रुक सके। रॉबिन जब बेड पर खून देखता है हेलन को इमरजेंसी में ले जाता है जहां डॉक्टर को हेलन की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद हेलन ठीक हो जाती है और रॉबिन को ढूंढने लगती है। रॉबिन की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो घर जाने वाला था। हेलन उससे कहती है मुझे भी ले चलो अपने घर। वो दोनों किस करते हैं, फिर वो रॉबिन की ट्रक में बैठ जाती है। वो देखती है कि उसके माँ पापा आखिरकार पार्किंग में मिल रहे हैं और वो रॉबिन को ड्राइविंग जारी रखने के लिए कहती है और बारिश का मजा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद अपने आप को आप डिटॉल से रगड़ रगड़ कर साफ कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।